प्रियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ करेंट अफेयर के क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 10 लेकर आए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिरोशिमा परमाणु बम से सैकड़ों गुना शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट जनवरी 2022 में किस देश में हुआ, जिसकी शॉक वेव्स भारत, अमेरिका सहित कई देशों तक पहुंची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोंगा। ठीक है, टोंगा जो देश है वहां पे एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसकी क्षमता या तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि जो हिरोशिमा पे परमाणु बम अटैक हुआ था उससे भी कई गुना ज़्यादा तीव्रता थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेटेड ग्राफिक नॉवेल्स अथर्व द ओरिजिन में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को मुख्य भूमिका में शामिल किया गया है। तो वो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी को अथर्व ऑफ द ओरिजिन में मुख्य भूमिका में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयंत घोषाल। ममता बियॉन्ड 2021 के जो लेखक हैं वो जयंत घोषाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विस ओपन 2022 के महिला एकल या वोमेन सिंगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। कौन सा महिला एकल स्विस ओपन 2022, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला वन 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेर स्टेपन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन 2022 के विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जो पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने हैं वे लक्ष्य सेन हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 से विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूलन गोस्वामी। ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो वनडे मैच में 250 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो फरवरी 2022 का है के लिए किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर को चुना गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रेयांस अय्यर। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयांस अय्यर को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में किस महिला क्रिकेटर को चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिला केर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में वुमेन क्रिकेटर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैचों की कप्तानी का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज ने महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैचों की कप्तानी का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर पदक। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 काहिरा में आयोजित हुआ था में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जो काहिरा में हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला जो देश था वो भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, कितने 6 क्रिकेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज।
छह विश्व कप खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला हैं मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजा जातियान। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, पैरा का मतलब होता है जिसमें विकलांग लोग या दिव्यांग लोग खेलते हैं, तो वो पैरा विश्व कप होता है। तो उसमें जो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीतता है वो पूजा जातियान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वीं सीईसी कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस केंद्र शासित प्रदेश या यूटी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख स्काउट्स ने। मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 लद्दाख स्काउट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिकन ओपन 2022 एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी में किस खिलाड़ी ने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में 13 शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 13 शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है सकीबुल गनी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आर्य प्रज्ञा आनंद। ठीक है, तो दुनिया के जो नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन थे? मैग्नस कार्लसन थे। उनको भी हराने वाले जो सबसे युवा खिलाड़ी हैं वो आर प्रज्ञा आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2022 नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईशान किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 में किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 चीन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, जो ऑप्शन नंबर बी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन में होने जा रहे एशियन गेम्स 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल 2022 का खिताब के साथ कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। राफेल नडाल पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल 2022 का खिताब किसके नाम रहा? तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टीना माद्वेनोविक तथा इवान डोडिंग, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब किस भारतीय ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का मिश्रित युगल
या मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईशान भटनागर और तनिषा ब्रास्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग या मेन सिंगल में सुपर 500 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किस केंद्र शासित प्रदेश या यूटी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंथाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहीन आजम आफरीदी को। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि शाह आफरीदी को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला था। पुरुष कैटेगरी में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट लेवनडॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीमेल कैटेगरी में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 किसे मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलेक्सिया पुटेलस को। नेक्स्ट, अब हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था आज की सीरीज में, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद कल नेक्स्ट सीरीज में हम और क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।